क्या बात है लड़के, क्या बाल चमक रहे हैं, मस्त जादू चल रहा है। चमक रहे हैं? मैंने तो बस यार एक हेयर ऑयल लगाया था और ऐसे हो गए। हेयर ऑयल? मुझे लगा तूने हेयर सीरम लगाया। हाँ तो वो भी तो लगाया था उससे पहले। हाँ तो यार अब ठीक है ना, मुझे नहीं पता ना दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे अरबन गबरू की नोटिफिकेशन तो आती नहीं, पता नहीं चलता कि कब वीडियो आएगी। बताएगा कौन इसके अलावा हमें? अब मैं बदतमीज आदमी, सबसे पहले तो जाके चैनल सर्च कर, बेल नोटिफिकेशन अगर प्रेस कर रखी है उसको फिर से अनप्रेस करके वापस प्रेस कर ताकि तुझे नोटिफिकेशन आने लग जाए। तुम जैसे कि वैसे तो व्यूज नहीं आ हाँ रहे। हाँ हाँ वो तो करता हूँ, लेकिन ये डिफरेंस कौन बताएगा? क्या बात कर दी यार, वही बताएगा जो 5 साल से बता रहा है। तो हेलो ब्रूस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन। एंड वेल, सच बात यही है भैया, चैनल का हाल आप देख ही रहे हो, यही हो रखा है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बला में और ये बला में क्या डिफरेंस है, आज आपको बताऊंगा। किसको कौन सा यूज करना चाहिए और किस लिए कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, सब आपको आज पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हेयर ऑयल के बारे में। अब इनमें क्या होता है भैया, ये देखो हमारे विंटेज हेयर केयर के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और इनको बहुत लोग अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल, भृंगादी ऑयल, और आजकल जो चल रहा है वो है जड़ी बूटी ऑयल। तुम्हारी मम्मी ने बेटा कभी ना कभी पकड़ के पक्का तुम्हारे सर पर ऐसी चंपी कर दी होगी तेल से। कभी शादी में जाना हो, किसी इवेंट पे जाना हो और नहीं करी तो भाई किस बात के हिंदुस्तानी हो तुम बे। हेयर ऑयल्स आर यूजुअली थे कि आपके बालों में एक विजुअल थिकनेस के साथ साथ कंडीशनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी स्कैल्प में जाके आपकी स्कैल्प को हेल्दी करते हैं। इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का हेयर ऑयल यूज कर रहे हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे हेयर ऑयल्स यूज कर चुका हूं एंड आप लोग उनको देखते रहते थे कहीं ना कहीं रिव्यू की फॉर्म में बहुत टाइम से, मतलब 5 साल से। तो मैंने इतने ज्यादा यूज कर लिया कि ब्रांड्स भी दे देते थे, खुद मैं अपने खरीदता था। और पहले के तो मेरे को याद ही है कि किस किस तरीके के होते, लेकिन अभी जो करंटली मैं यूज कर रहा हूँ वो है कामा का ये भृंगादी ऑयल। इसके इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और मेरे थिक बालों के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। हेयर ऑयल को यूज करने का भी एक सिंपल तरीका होता है, इनको अपने बालों में ओवरनाइट लगा के छोड़ना होता है एंड नेक्स्ट डे जब भी आप उठ रहे हो या फिर यू नो आपकी नींद खुल रही है, बीच में आपका नहाने का मन कर गया, तब आप इनको वॉश ऑफ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बालों को जो कंडीशनिंग मिलेगी ना, वो ये केमिकल वाले जितने भी हेयर मास्क आते हैं और हेयर कंडीशनर आते हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। देखो यूजुअली क्या होता है, जिसके बाल ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं वो इनको इस प्रोसेस को अवॉइड कर सकता है, लेकिन जिसके बाल काफी ज्यादा रफ है, मेरी तरह फ्रिजी है क्योंकि देखो मैंने अभी सीरम लगाया, बिल्कुल ये सेकंड हेयर हो रखे हैं, इनके लिए आपको अपने बालों को कंडीशन रखना पड़ेगा। अब आपके पर है, देखो केमिकल कंडीशनर्स भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे आपके बालों को, लेकिन जो हेयर ऑयल जिस तरीके की स्मूथनेस और कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है नेक्स्ट डे पे वॉश ऑफ के बाद, वो एक अलग सी सिनेरियो होता है देखने का। काफी लोग अपने बालों में शैम्पू लगा लेते हैं बिना तेल लगाए, विच इज नॉट एक्जैक्टली अ हेयर केयर रूटीन जो मैं फॉलो करता हूं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डर्ट और गंक फंस गया आपके बालों में, तब आप बिना ऑयल के भी यूज कर सकते हो क्योंकि शैम्पू आपके बालों को क्लियर ही तो करता है एट द एंड। अब आ जाते हैं हेयर सीरम के ऊपर। ये भैया एक मैजिकल प्रोडक्ट है एंड बहुत टाइम से इसको लोग यूज नहीं करते कि अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब मान लो 10-15 साल पहले ही लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया है इंडिया में स्पेसिफिकली। जब से एक ब्रांड ने काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया था, लोगों को पहले पता भी नहीं होता था सीरम होता क्या, वो सिर्फ फेस का सीरम समझते थे ये होता है। लेकिन ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। अगर आपको हेयर ऑयल का जो प्रोसेस है वो टीडियस लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा है, तब आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि ये इंस्टेंटली ऐसे रिजल्ट्स देता है और मुझे ऐसे रिजल्ट देने वाली ज्यादा चीज अच्छी लगती है। एंड साथ ही साथ इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हेयर ऑयल नहीं कर पाता, बताता हूँ क्या। सीरम का मेनली काम होता है आपके बालों से फ्रिज को हटाने का एंड उनको इतना अच्छा स्मूथ टेक्सचर देने का ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके बाल कहीं भी फंस रहे, जब भी आप इनमें हाथ फेरो आपको नहीं लगना चाहिए। वैसे तो मैं 2-3 सीरम्स यूज कर चुका हूँ, 2-3 क्या उससे भी ज्यादा कर चुका हूँ लाइफ में और यूजुअली उन्हीं को करता हूँ, लेकिन आजकल मैं अपना न्यूली लॉन्च्ड लियोकोर का एंटी हेयरफॉल सीरम यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो भी सुन लो। देखो एक सिंपल सी बात है, आजकल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसमें इतनी ज्यादा इतनी खराब चीजें आ गई हैं कि आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आप देखोगे आपकी हेयर लाइन भी रिसीड हो रही है, साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि यार पहले तो मेरे हेयर फॉल नहीं होता था, अब एकदम से कैसे स्टार्ट हो गया। वो इसी वजह से होता है। देखो दिल्ली में रहते हुए पॉल्यूशन को रोज फेस करते हुए हमें हेयर केयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए कि अगर आप इसको पहले से प्रिवेंट करना सीख जाओगे तभी ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको हेयर फॉल अभी नहीं हो रहा तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते जो कि एंटी हेयर फॉल हो। ये आप अभी से एक प्रिवेंटिव मेजर की यूज करोगे तब आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे चलेंगे। अगर इनको बिल्कुल खुला छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी 1% हेयर केयर नहीं करोगे, शैम्पू करके निकल जाओगे, दैट इज नॉट द वे टू टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड इवेंचुअली यू विल लॉस एंड फेस हेयर लॉस। लेकिन लियोकोर रेयर हेयर पोशन क्यों खरीदना चाहिए? देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही खरीदो, कोई भी आप एंटी हेयर फॉल सीरम यूज कर सकते हो जो कि जिसमें इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा अच्छे हो, जिस ब्रांड पे आप ट्रस्ट करते हो। मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि देखो आपको याद ही होगा, पता ही होगा, जो मेरा एक सीरम है लियोकोर रेयर हेयर पोशन अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है। फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल है तो वहां से लोग आप खरीद सकते हो, अमेजोन पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आ जाएगा उस पर भी। लेकिन ये जो है इसमें
10 in 1, मतलब एक ही सीरम की बॉटल में 10 ऑयल्स है। अगर मैं कुछ ऑयल्स की बात करूँ तो आर्गन ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, आमला ऑयल एंड ऐसे बहुत सारे रोजमेरी ऑयल जो कि आपके बालों को प्रिवेंट करने के साथ साथ उनको एक अच्छे तरीके से हेल्दी रखने के लिए हेल्प करेंगे, वो सब इसमें डलवाया है। रेयर हेयर पोर्शन में 9 थे, इसमें 10 है, तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सिंपल सा एक प्रोडक्ट जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, एक प्रिवेंटिव मेजर की तरीके से आप इसको जिस तरीके से यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। देखो और एक बहुत चीज बड़ी आ जाती है यहाँ पर, हेयर ऑयल्स जो होते हैं हमारी स्कैल्प तक जाते हैं एंड वहीं सीरम्स जो होते हैं वो आपकी स्कैल्प पर लोग रेकमेंड नहीं करते लगाना। डर्मेटोलॉजिस्ट जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको नहीं बोलेंगे कि स्कैल्प में सीरम लगाओ। अब ऐसा क्यों होता है? ऑयल्स यूजुअली कोल्ड प्रेस होते हैं, नेचुरल होते हैं एंड आपके बालों में अगर जाएंगे भी तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सीरम में कभी कभी केमिकल डाला होता है जिसको बोलते हैं हम पैराबेन एंड डाइमेथिकॉन। ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बालों में जाकर आपके पोर्स को क्लॉक कर देंगे। अब पोर्स को क्लॉक करने का एक सिंपल सा मतलब है कि डैंड्रफ का बिल्डअप बढ़ जाएगा एंड आपके बालों में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा कि हम सांस कैसे लें एंड नेचुरली आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ, देखो ऑब्वियसली यार हम जो चीज़ें बनाते हैं वो बेस्ट ही होती है, इसमें ना पैराबेन है ना डाइमेथिकॉन है। तो आप अगर इसको अपनी स्कैल्प पे भी लगाते हो, यूजुअली ये वाला सीरम जो होता है स्कैल्प पे लगाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाते हो तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्कैल्प पे लगाओ, अपने बालों पे लगाओ, आपको फ्रिज फ्री करने के साथ साथ ये आपको एंटी हेयर फॉल वाली प्रॉपर्टीज भी दे रहा है। अगर आप कोई एंटी हेयर फॉल सीरम दूसरा भी यूज़ करना चाहते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो खराब नहीं होनी चाहिए और आपके जो बाल है एक सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स पे हमेशा ध्यान दो, प्रोडक्ट्स आप कोई भी यूज़ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बाल हमारे लिए भैया मोती जैसे हैं तो हमें उनको संभाल के रखना पड़ता है अपनी इन वीडियोस के थ्रू। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं और बता देते हैं कि भैया हेयर ऑयल किसके लिए और हेयर सीरम किसके लिए। अगर तुम्हारी स्कैल्प ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है और अगर स्वेटिंग होने के बावजूद गर्मियों में फिर भी वो ड्राई रहती है, आपको यूज करना है एक हेयर ऑयल। वो क्या करेगा, आपकी स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा एंड साथ ही साथ जो ड्राइनेस, आप बहुत ज्यादा फ्लेकीनेस अगर बालों में देख रहे हो, स्कैल्प में देख रहे हो, उसको अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करेगा। यहां पर सीरम इतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितने अच्छे से हेयर ऑयल करेगा। वहीं आते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्कैल्प वाले लोग, ये क्या करें, आपको अपने सीरम की 2 से 3 ड्रॉप्स लेके अपने बालों के टिप्स पे लगाना है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है और आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो तो आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्रिजीनेस हटानी है तो आप इनके एंड्स पे लगा के इनको फ्रिज फ्री कर सकते हो, आपके लिए है सीरम। यहां पर अगर सीन चेंज कर दो और ये बोले कि क्या ड्राई स्कैल्प वाले सीरम यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन ऑयली स्कैल्प वाले हेयर ऑयल को प्रिवेंट करें, वरना जो रशिया से अभी होके आ रहा है ना $35-40 के जो बैरल्स आ रहे हैं वो आपके तेल सर से निकाल के ले जाएंगे। असली बात करें कि दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा भाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, लक्ष्य भाई वो बताओ, हम तो वही खरीदेंगे। अब देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया सबके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, सब ऑयल्स के भी अलग अलग काम होते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी क्या फेस हो रहा है और आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या आपको फ्रिज हटानी है बालों से, क्या आपको उनको नेचुरली स्मूथ रखना है, शाइनी रखना है, तब आप सीरम की तरफ जाओ। और अगर आपको लंबे टाइम के लिए कंडीशनिंग चाहिए, अपने बालों में ऐसा रूखापन नहीं चाहिए, आप हेयर ऑयल की तरफ जाओ। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी एंड अगर आप चाहते हो इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेना तो दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। दोनों बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अपने ऊपर यूज करे हैं, वैसे ये वाला तो खुद का ही है, तो इतना ज्यादा यूज करके इसको निकाला, कम से कम मुझे 1.5 से 2 महीने लगे थे इसको बनवाने में, इतने सारे सैंपल्स रिजेक्ट हुए थे उसके बाद ये मेरे हाथ में आए। एंड इफ यू वांट टू ग्रैब दिस, फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड साथ ही साथ इंस्टा पे आ जाओ भाई, वहां पे फॉलो करो एंड बहुत सारी अलग अलग अमेजिंग फैशन रील्स भी देखो। कमेंट करके बताओ कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये वाला तो मेरे मन में था और बहुत टाइम से लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि भैया हम लोग कंफ्यूज है, तो आज उन लोगों के लिए स्पेसिफिक वीडियोस हैं, मतलब मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे इसको, बट उन लोगों के लिए ये वाली बना दी है। एंड यस डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जल्दी से जल्दी भैया हमें 2 मिलियन पे पहुंचना है एंड आप लोग ही हो भैया जो हेल्प करोगे हमारी, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशंस बाय चांस नहीं आ रही है तो प्लीज जरा देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल शायद YouTube ने थोड़ा पीछे डाल दिया हमें, बट कोई नहीं, हम अपनी मेहनत से फिर से ऊपर आएंगे। सो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, लियो कॉल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बेबी।